जी एक्चुअली मेरा नमाज के रिलेटेड सवाल है, जिसमें जैसे मैं IIT में ऑलरेडी जॉब पे हूँ, ठीक है, और हम लोग को वहाँ पे वजू करने के लिए, पहले हम लोग दूसरे ब्रांच पे थे, तो वहाँ पे हम लोग को जो है वजू करने के लिए हाउसकीपिंग वाले थोड़ा किरकिर करते थे, तो हम लोग को प्रॉपर होती नहीं थी वजू। तो मैं ऑफिस से घर पे आके जोहर की नमाज जो है मैं असर के बाद पढ़ लेती थी कजा, ठीक है। अब जो है सहूलियत हो गई है वजू के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं बुरखे में ही रहती हूँ, तो मेरे आस्तीन जो है हाथों के वो पूरी तरह ऊपर नहीं जाते कभी कभी, या अंदर का जो ड्रेस होता है उसकी भी आस्तीन कभी कभी ऊपर नहीं जाते, तो उस वजह से मैं सिर्फ मसा कर लेती हूँ वजू का जोहर के वक्त। तो ये मतलब वजू हो जाएगा, कंसिडर होगा, या फिर घर पे आके ही कजा कर लूँ मैं? हाथ हाथ का मसा करना ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। हाथ को धुलना है, हर सूरत में धुलना जी है। लेकिन अगर आप जी हाथ का लेकिन मसा वो करती हैं तो आप आपका वजू बुरखा नहीं ऊपर हुआ नहीं जाता है, भाई, ये नहीं उज्र मसा है थोड़ी लेकिन है। हाथ घुमाती हो। अच्छा, तो फिर कैसे कर सकते वजू अगर हमें करना हो ऑफिस में? तो अभी वो आस्तीन ऊपर नहीं हो पाती है, तो आपको उस कोई वजह भी से मेरा वजू हाथों का, हाथ देखिए, धुल नहीं पाता है। वो मैं नहीं बता पाऊंगा कि आप कैसे करें, वो आपको तरीका तो ढूंढना कजा है। ही, नहीं, कजा नहीं, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना है। ओके, आप ऐसी नमाज आस्तीन वक्त रहते इस्तेमाल हुए करें जो पढ़ना है। आसानी से ऊपर हो जाए। जब ओके आपको ठीक पता है, है कि चलेगा। मुझे वहां पे ऐसी जगह पे वजू बनाना है, तो आप ढीली आस्तीन पहने वहां पे।